अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और उतनी ही आसान मैक्रोनी की रेसिपी। सिंपल सी रेसिपी है, खाने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने खुद से बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पतीली, और इसमें हम सबसे पहले बॉयल कर लेंगे पानी को और 2 कप डाल देंगे मैक्रोनी। ये है एल्बो मैक्रोनी, और कोई सी भी मैक्रोनी लीजिएगा आप, जायका उसका यानी टेस्ट उसका वही रहता है। और हम 2 कप डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1/2 टीस्पून डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने से मैक्रोनी चिपचिपी नहीं होगी, खिली खिली सी रहेगी। और इसको बॉयल कर लेंगे। 80% हमको कुक कर लेना है। अगर हम फुल कुक करेंगे तो ये चिपचिपी सी हो जाएगी मैक्रोनी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो सिर्फ हमको 80% ही कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए बहुत कम वक्त लगा मैक्रोनी पास्ता बॉयल हो गया है। अब इसको हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे, और छानने के बाद इसमें ठंडा पानी ऊपर से डाल दीजिए क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, नहीं तो ये चिपचिपी फिर हो जाती है। ठंडा पानी डालने के बाद फिर ऊपर से 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मिला दीजिएगा, स्पैचुला की मदद से अच्छे से चला दीजिएगा ताकि चिपचिपी सी ना हो मैक्रोनी। सुपर टेस्टी मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने इधर ले लिया है एक पैन, पैन में डाला है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है बटर ताकि बटर जले ना। और इसमें डाल देंगे हम ये 1 टेबल स्पून है बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून है बारीक कटा हुआ अदरक, ये मीडियम साइज का प्याज था मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको भी फ्राई करेंगे। जब भी प्याज को फ्राई करें तो हाई फ्लेम पे फ्राई करें ताकि इसका जो मॉइस्चर होता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है और प्याज जो है पैन से चिपकती नहीं है। तो इसमें हम डाल देंगे ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ले ली है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप एहतियात से डालिएगा। इसको भी फ्राई करेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब टाइम आ गया है इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, 2 से 3 बड़े बड़े टमाटर मैंने रेड कलर के ले लिया है, कलर अच्छा आता है। तो जब भी बनाइएगा मैक्रोनी उसमें टमाटर डालने के लिए रेड कलर के ही लीजिएगा। टमाटर ज़्यादा से जाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत टैंगी आता है और एक तरीके से ये ग्रेवी का काम करता है। तो टमाटर को भी इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा इसमें। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, नमक है 1 टीस्पून नमक, और मिर्च थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब शामिल करेंगे इसमें हम कुछ मसाले पाउडर, 1 टीस्पून है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए होता है, तीखा नहीं होता है क्योंकि हरी मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें। और ये है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले और टमाटर प्याज लहसुन अदरक ये सब जले नहीं। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, तो 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी इसमें शामिल करेंगे। और ये लीजिए इसको चला दिया है अच्छे से मैंने, और अब इसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए लगा देंगे लिड ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखिएगा ताकि मसाले जले नहीं। 2 से 3 मिनट हो गया है, लिड को खोल लेते हैं और खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तेल भी हमारा सरफेस पे आ गया है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला हमारा भुन गया है। और सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैक्रोनी को अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजेज। तो यहाँ मैंने ले लिया है फ्रेंच बीन्स, ये 1/2 कप ये हम शामिल कर देंगे, बारीक बारीक मैंने काट लिया है। 1/2 कप गाजर, ये भी बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी शामिल कर देंगे हम। और ये है शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च मैंने क्यूब में काटा है, थोड़ा सा बड़ा काटा है। आप अपने मनपसंद कोई सी भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम सब्जी इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा वो भी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए गाजर भी, और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इनका क्रंच भी बना रहे, क्योंकि खाने में जब मुंह में सब्जियां जाती हैं तो क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। तो हम इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, और चलाते चलाते ही सब्जियाँ हमारी पक गई, गाजर भी सॉफ्ट हो गई है और शिमला मिर्च भी हमारा सॉफ्ट हो गया है और बीन्स भी पक गई है। तो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है मैक्रोनी मसाला हमारा यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। आपके पास शेजवान सॉस है तो वो ऐड कर दीजिएगा, और नहीं है तो दोनों को स्किप कर दीजिएगा, आपकी रेसिपी वैसे भी बहुत बेस्ट बनेगी। इन दोनों चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे, और अब हम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्रीमी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम मेयोनीज़,
दो टेबल स्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्रीमी क्रीमी भी मैक्रोनी बनेगी और इससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। मैंने इसमें मेयोनीज मिक्स कर दी है और देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा लगता है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है देख के, बहुत गजब का टेस्ट आता है मेयोनीज को ऐड करने से। तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बॉयल किया हुआ मैक्रोनी। तो देखिए कितना खिला खिला सा है, चिपचिपा नहीं है, एक एक पीस अलग अलग है सब। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ओरिगैनो और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर ले लीजिएगा, 1 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और वो भी हल्के हल्के हाथों से, ताकि मैक्रोनी हमारी टूटे नहीं। तो 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे मिक्स कर लीजिएगा, सारे मसाले मैक्रोनी में कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत आसान है ये रेसिपी बनाना। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे फ्रेश कटा हरा धनिया, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और मैंने यहाँ कोई चीज नहीं सब डाली है, प्रोसेस चीज, चेडर चीज, कोई भी चीज नहीं डाली है, मैंने सिर्फ मेयोनीज डाली है। अगर आपको डालना है तो इस पॉइंट पे डाल के और 2 मिनट के लिए लिड लगा दीजिएगा, तो वो चीजी चीजी बन जाएगी मैक्रोनी आपकी। तो चलिए अब झटपट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।